नमस्कार, इंडिया एट नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को एक साथ लाने की कोशिश करने वाले, जो सबसे पहले अगर कहें कि कोई फाउंडेशन थी, नींव थे, नीतीश कुमार, सबसे पहले महागठबंधन को छोड़कर अब वो अलग वापस एनडीए में लौट चुके हैं। उनकी घर वापसी हो गई। वो अब बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री फिर बन गए। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आम चुनावों से ठीक पहले उनका ये फैसला इंडिया गठबंधन पर बड़े सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। राजनीति में जो ऑप्टिक्स होते हैं, जिस तरीके से आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, जो एक जनता के बीच में आपकी इमेज जाती है, वो सबसे जरूरी होती है। और कम से कम 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार का जाना और इंडिया गठबंधन का इस तरीके से बिखरना, ऑप्टिक्स के लिहाज से, इमेज के लिहाज से कम इंडिया गठबंधन को बहुत भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। नीतीश गठबंधन से टूट गए हैं तो वहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से रूठे हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अकेले ही बंगाल में चुनाव लड़ने का अपना फैसला जो था उसका ऐलान कर दिया। उधर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसा भी ऐलान कर दिया। केजरीवाल आज भी बीजेपी के साथ कांग्रेस पर हमलावर रहे, हरियाणा गए थे एक चुनावी रैली में। उधर कांग्रेस की खोई जमीन हासिल करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए निकले हुए बंगाल में पहुंचे, लेकिन राहुल की यात्रा अभी तक अपने जिन साथी दलों के राज्यों से गुजर रही है, जहां जहां भी पहुंच रही है, वहां पे झटका जरूर लग रहा है। मणिपुर से शुरू हुई इस यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ी, सहयोगी दलों का हाथ कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आए। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिम बंगाल में घुसने के एक दिन पहले 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 25 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में प्रवेश करती है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें विरोध में पोस्टर बैनर दिखा दिए, कहा बंगाल में सिर्फ ममता काफी है। इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा बिहार में घुसने से एक दिन पहले एक और झटका लगा। बिहार में उनका महागठबंधन टूट गया। आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। कल राहुल गांधी जब बिहार में घुसेंगे तो वहां उनके गठबंधन की सरकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री बेशक वही होंगे लेकिन गठबंधन बदल चुका होगा। इंडिया गठबंधन के बनने से पहले बिगड़ने की जो सियासत है उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले जरा नीतीश कुमार के बारे में ही बात करते हैं। देश की राजनीति में आया राम गया राम की राजनीति जो थी वो हरियाणा से एक शब्द शुरू हुआ था। माहिर अगर नेताओं की आप बात करेंगे तो इस दौर में नीतीश कुमार से बड़ा उदाहरण कोई उसका हो ही नहीं सकता। अब तो उदाहरण को बदल के आया नीतीश गया नीतीश हो जाना चाहिए। आज अगर आपको आपके साथी हैं तो कल आपके खिलाफ खड़े होंगे। सिर्फ इसी बात की गारंटी है नीतीश कुमार के कि वो आपके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार इस तरीके से अपनी राजनीति चलाई है। 6 बार उन्होंने यू टर्न लिए हैं और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही हुआ है। वो 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले 19 सालों में बिहार में गठबंधन और विपक्ष बदलता रहा है, मुख्यमंत्री हमेशा एक ही रहा है और वो है नीतीश कुमार। आज उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। देश में कोई भी नेता इतनी बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना है। यह अलग बात है कि कुल मिलाकर उनका कार्यकाल अभी किसी रिकॉर्ड से काफी दूर है। नीतीश कुमार आज काफी व्यस्त रहे। सबसे पहले उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र आलेकर को अपनी जो सरकार थी महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री होते हुए इस्तीफा दिया। इसके बाद बीजेपी का समर्थन पत्र लेकर फिर चले गए राज्यपाल के पास। 5 बजे जाके पत्र थमाया और कहा कि हमें शपथ दिला दीजिए। नीतीश कुमार ने 8 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के 2 विधायक
बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है। इसके अलावा बीजेपी के प्रेम कुमार चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नई कैबिनेट में जेडीयू से विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है उसके संतोष कुमार सुमन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार को भी मंत्री बनाया गया है नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में। आज के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने कहा कि वो जहां थे वहां वापस आ गए और अब यहीं रहेंगे। नीतीश कुमार के पास के साथ जो बाकी मंत्री हैं उन्होंने भी ऐसी ही उम्मीद जताई, पर बात यह है कि नीतीश कुमार ये बातें जो कहते हैं क्या बिहार की जनता और उनके सहयोगी अब इन बातों पर यकीन कर सकेंगे? और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक फुट करके चार थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। एकदम 40-40 जीतेंगे, कन्फर्म रहिए। पिछले बार एक छूट गया था, वो भी नहीं छोड़ेंगे। 2020 में हम चुनाव जीत कर आए थे और लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को हरा के आए थे, आगे भी हराएंगे, चिंता मत कीजिए। आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के अंदर सुशासन स्थापित करने का और बिहार के विकास की गति को डबल इंजन के साथ बढ़ाने की जो जिम्मेवारी दिए हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ बढ़ाएंगे। शपथ ग्रहण हो गया और क्या कहें, सब मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से हट के नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। वो तो बनना ही था, वो तो बनना ही था। क्या चेंजेस आएंगे बिहार में? बड़ा बेहतरी होगी। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे इस बदलाव पे? बहुत अच्छा पहल हुआ है, हम स्वागत करते हैं जाकर के, और इससे केंद्र और बिहार और दोनों सरकार मिलकर और बिहार के विकास को तेज करेंगे जाकर के। तो कल तक जिनको बीजेपी कह रही थी रास्ते बंद हैं, वो फिर से सुशासन की राह पे चल पड़े। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनने से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी को लगता है कि अब बिहार में आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें एनडीए के हिस्से में आएंगी। बीजेपी के कई नेताओं को भरोसा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ये बात कही कि विकास के लिए गठबंधन जरूरी था। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी अपने वक्तव्य में निशाना साधा। साना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है। ये बड़ा बदलाव है, नीतीश कुमार कभी कंफर्टेबल नहीं थे वहां, अब वहां गए, आज यहां आए हैं, स्वागत है। बिहार में शांति सुशासन वापस आएगा। साथ छोड़कर क्यों चले गए थे सर? अब ये तो उनसे पूछिए, वापसी कैसे हुई? वापसी रियलाइज किए कि बिहार का भविष्य मोदी जी के साथ है और बीजेपी के पुराने साथी रहे और हम लोकसभा की 40-40 सीट जीतेंगे। सरकार का बदलाव अनिवार्य था बिहार के जनता के लिए और उसी
के मद्देनजर रखते हुए सरकार नई बनी है, जो विकास की गति हमारे एनडीए के बाद बंद हो गई थी उसको शुरू करना है, लोगों की जान माल की रक्षा करना है, इज्जत और सम्मान बचाना है। व्हाटएवर दैट हैज हैपेंड फॉर गुड, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। डेफिनेटली यस, देयर वर फ्यू कंसर्न्स इन बिटवीन, दैट वाज वेल सॉर्टेड आउट बिटवीन मी एंड भारतीय जनता पार्टी, एंड वी हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग ओवर फ्यू कंसर्न्स विच द पार्टी हैड, एंड फाइनली वी आर हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट वी हैव एन एनडीए गवर्नमेंट इन माई स्टेट। राजनीति में कमाल है, कल तक एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने वाले आज उम्मीद जता रहे हैं कि अब बिहार में अच्छे दिन आ जाएंगे। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके नीतीश कुमार को बधाई भी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार में बनी एनडीए की सरकार राज्य में विकास और यहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ पर बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण के साथ राज्य के में मेरी परियोजनाओं की सेवा और परिवारजनों की सेवा करेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम से काफी नाराज दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जनता जो है जल्द नीतीश कुमार का फैसला करेगी। जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराजगी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो खेला बाकी है, आज भले ही लोग ओथ ले लें लेकिन कितना दिन ये लोग रहेंगे इनको कुछ नहीं। तेजस्वी यादव नाराजगी जताते हुए जब तक नीतीश उनके साथ थे तो ठीक थे, अब वापस चले गए हैं तो उनको भी इस बात की बड़ी परेशानी है। तो तेजस्वी यादव का कहना है कि खेल अभी बाकी है, खेल अभी होना है। सवाल यही है कि क्या खेल, कौन सा खेला अभी बिहार में बाकी है या 2024 से पहले इंडिया गठबंधन का खेल खत्म हो गया है? 2024 के आम चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर होगा, यह बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर पहले ही हमें ऐसा संचय था। ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम बहुत लोग। अब इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने जीवनकाल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका जो करारा जवाब जरूर देगी। एक व्यक्ति के तौर पर किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के फैसले पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और तेजस्वी यादव को भी नहीं बख्शा। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है, अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का ना इतबार है ना भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर
लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको, अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? उधर खुद राजनीति की जड़ जमाने की कोशिश कर रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर घूम रहे हैं पूरे बिहार में अपनी जनस्वराज यात्रा लेकर। उन्होंने नीतीश कुमार, और आपको याद होगा नीतीश कुमार के साथ 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर खड़े थे, तब इन्होंने महागठबंधन और नीतीश कुमार को साथ लाए, उसके बाद बीजेपी को हराया। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार बताया और बीजेपी को भी पलटी मार बता दिया। मेरे भाई, अगर आप पिछले एक साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस पलट, कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार है। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार है, जो अभी 2-4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटूमार पूरी राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए कि कल तक जो नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे भाजपा के वर्कर समर्थक कार्यकर्ता, आज ही से इनको सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। कम से कम ये बात तो प्रशांत किशोर की बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और इस बात में और इस चर्चा इस पर करते हैं। इस बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है उसे बनाने से पहले ही जो बिखराव आ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। मतलब पूरा शबाब चढ़ता मोदी और बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से टक्कर लेने से पहले इंडिया गठबंधन खुद ही खिन्न भिन्न होता दिखाई पड़ रहा है। कोई टूट रहा है, कोई रूठ रहा है। ऐसे में इस पर ज्यादा बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिया गठबंधन का और 2024 के चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला। हमारे साथ अमिताभ तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बद्रद नारायण साहब हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बद्रद नारायण जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, नीतीश कुमार को उपाधि अब कुछ भी नवाजे जाए, उन्होंने बार बार, अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद भारत के लिए जिम्नास्टिक्स में गोल्ड ले आते अगर वो ओलंपिक में होते, लेकिन बात यह है सर कि कुल मिलाकर वो अपनी राजनीति अपने हिसाब से जिस चीज में वो रेलिवेंट रह सकते हैं वो उसको सर्वप्रथम आगे रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी जो दोनों बार बार उनसे हाय तौबा करती रहती हैं, कान पकड़ के बोलती है इनको वापस नहीं लेंगे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि नीतीश कुमार जब मन चाहे बदलकर किसी और की गाड़ी में बैठ जाते हैं, ड्राइवर हमेशा वही रहते हैं? बिल्कुल अंकित, आपने बहुत सही कहा। देखिए, मैं हम लोग आपके चैनल पे ही कह चुके हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही कि नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में मैं पहली बार अक्षम महसूस कर रहा हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के की राजनीतिक एक्शन की व्याख्या करने, क्योंकि हर राजनीतिक एक्शन व्यक्तित्व के राजनीतिक एक्शन का कुछ पैटर्न होता है। नीतीश कुमार का ये पैटर्न ये एकदम गजब सा है, एकदम ऐसा है जिसको कि किसी भी पैटर्न में नहीं बांधा जा सकता। एक ही पैटर्न में बांधा जा सकता है कि उन्होंने अवसरवाद को एक राजनीति के स्ट्रेटजी के रूप में बदल दिया है, और उस अवसरवाद को स्ट्रेटजी के रूप में भी काशीराम भी आर्ग्यू करते थे कि करना चाहिए, लेकिन उससे कमजोर शक्तियां पावरफुल होती है, लेकिन वो एक समूह के लिए कहते थे, इन्होंने एक व्यक्ति के लिए अपने फायदे के लिए, और दोनों में ही मैटर्स, नीतीश मैटर्स, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। और लेकिन एक चीज है अंकित, की एक उत्तर बिहार के समाज में एक बड़ा तबका ऐसा था, बड़ा तबका शब्द न भी कहें तो एक तबका ऐसा है जो चाहता था कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन एक नेचुरल अलाई जो मानता था और चाहता था कि वो आ जाए, तो वो उसको उसके वो आने से शायद वो कॉन्सोलिडेशन बिहार की राजनीति में बढ़ेगा, जो उसका पोलिटिकल फायदा के लिहाज से आप देखें तो। दूसरा ये है कि ये जो MBC यानी जो कास्ट सर्वे इन्होंने किया, उस कास्ट सर्वे से जो एक MBC असर्शन पैदा हुआ है
उस एमबीसी असर्शन को आवाज देने के लिए पहले बीजेपी खड़ी थी कि हम आवाज देंगे, नीतीश भी कहते थे, अब नीतीश और बीजेपी दोनों आ गए, तो अब एक जो अपर ओबीसी में जो यादव का जो तबका है उसके बरक्स एक बड़ा ओबीसी मोबिलाइजेशन शायद बिहार की राजनीति में खड़ा हो सके। तो मुझे लगता है कि इनको इनका इनके इनका जो राजनीति है उसका अपना सोशल इम्पैक्ट भी है, लेकिन एक गजब तरह का अवसरवाद है जिसकी कि कोई व्याख्या किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस के फ्रेम में संभव नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया, संभव नहीं है इसको किसी भी एक पॉलिटिकल यू नो एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में थ्योरेटिकली इसको किसी भी हालत में समझाना। अमिताभ जी, लेकिन नीतीश कुमार एक फाउंडिंग ब्लॉक थे, जब बीजेपी से निकलकर महागठबंधन के साथ आए थे तो एक फाउंडिंग ब्लॉक थे इंडिया गठबंधन के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे थे, अपने आप को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद क्या यह मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन जो है या तो कोई निकल रहा है या कोई रूठ रहा है? तो रूठने और निकलने के बीच में इंडिया गठबंधन का 2024 का जो खेल है नीतीश कुमार पूरी तरह से बिगाड़ गए। इसके आसार तो कुछ दिनों से नजर आ रहे थे। अब इंडिया ब्लॉक एसेंशियली जो बचा है वो अब यूपीए ही है। देखिए, यूपीए प्लस टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना और समाजवादी पार्टी, ये लार्जली इंडिया ब्लॉक है। लेकिन इसमें से अब ममता बनर्जी ने भी सीट शेयरिंग के लिए मना कर दिया है। आपके साथ पंजाब में सीट शेयरिंग हो नहीं रही है। जेडीयू इंडिया से निकल करके एनडीए ब्लॉक में जा चुका है वापस, और समाजवादी पार्टी ने भी एक गिव और टेक 11 सीटों का अल्टीमेटम जो है वो कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। उधर उद्धव ठाकरे 23 सीटों की डिमांड कर रहे हैं जब उनकी पार्टी की स्ट्रेंथ आधी हो गई है, तो वहां भी बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो यूपीए को जो एक एडेड एडवांटेज था या मिलने वाले की अपेक्षा थी इन 4-5 राज्यों से, जिसमें लगभग 222 सीटें हैं अगर आप यूपी, बंगाल, पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र को मिला लें, तो इसमें वो जो एडवांटेज या गेन उनको मिलने वाला था ऐसा लगता हुआ नहीं दिख रहा है। और यूपीए जो है वो एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर रहा है। और उसका कारण ये भी है कि अगर आप बिना किसी कोर आइडियोलॉजी के सिर्फ मोदी को हटाने के लिए ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि इनमें से कई पार्टीज तो एंटी कांग्रेसिज्म के प्लैंक पे पैदा हुई हैं। टीएमसी खुद कांग्रेस से अलग हुई है, एनसीपी खुद कांग्रेस से अलग हुई थी, और जेडीयू और शिवसेना तो एनडीए के साथ थी पहले। तो ये इस टाइप का जो एक अलायंस होता है वो ज्यादा चलता नहीं है, और क्योंकि एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट था। अमिताभ जी, लेकिन अगर अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो वो तो शायद आजकल राजनीति में एक बड़ी एक ऐसी विलुप्त वस्तु है जो लोगों में मिलती नहीं है। बीजेपी कल तक जिसे करप्ट कहती थी, करप्शन के नाम पर कहते हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उनके साथ सरकार में, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर ले, तो आइडियोलॉजी से अलग क्या ये सिर्फ जैसे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म की बात करें, नीतीश कुमार को अब ये दिखाई पड़ना शुरू हो गया था कि 2024 में उनका कुछ नहीं होने वाला, जो भी कुछ फायदा होगा वो जाकर बीजेपी के साथ होगा, तो उन्होंने ये दामन थाम लिया, तो क्या इसको एंड गेम मान ले इंडिया गठबंधन का? ऑलमोस्ट एंड गेम ही है, क्योंकि रीजनल पार्टीज को लगा था कि कांग्रेस 3-0 से हारने के बाद सुधर जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने जब 2 या 3 महीने बचे हैं उसमें उन्होंने एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी। किसी भी रीजनल पार्टी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और रीजनल पार्टीज ने हमेशा कहा कि इसका नाम या ऐसी एक यात्रा करनी भी थी तो इंडिया यात्रा होनी चाहिए थी, कांग्रेस की यात्रा नहीं होनी चाहिए थी। और यात्रा भी कहाँ हो रही है, जहां पर कांग्रेस कमजोर है और रीजनल पार्टीज जो है इंडिया ब्लॉक के वो मजबूत है, तो वहां पर तो रीजनल पार्टीज को छोड़ देना चाहिए था कांग्रेस को, और सदर्न स्टेट्स में या जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां पर फोकस करना चाहिए था। तो काफी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि देखिए ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म अलायंस है, सिर्फ 2024 के लिए है। जी। अगले विधानसभा में टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, तो वोटर और कैडर दोनों ही नहीं मानने वाला इस और शायद को। जैसे आपने कहा शॉर्ट टर्म गेन है, शायद ऐसा ही हमें बिहार में भी देखने को मिलेगा कि 2025 के समीकरण बिल्कुल अलग होंगे जेडीयू के लिए भी। बद्रीनारायण जी, आप क्या समीकरण आप बदलते देखते हैं 24 और 25 दोनों के लिए, बिहार को अगर मान ले और भारत को अगर मान ले? तो देखिए, एक तो अंकित आपने बहुत अच्छा जी आपने कहा था जो ऑप्टिक नो, इससे 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 पूरी पॉलिटिक्स के, इंडिया पॉलिटिक्स के ऑप्टिक्स पे क्या असर पड़ेगा।
तो एक तो बहुत देखिए, एक आदमी जो पूरे इंडिया पॉलिटिक्स को का ऑर्गेनाइजर था, बीज था, जिसने मोबिलाइज किया, वही छोड़ के चला गया। तो पहला तो पहली लड़ाई क्या, तो शुरू की लड़ाई ही आप हार गए, तो एक कॉन्फिडेंस खत्म होगा लोगों में भी, ये लोगों का भी कॉन्फिडेंस खत्म होगा और ये अलायंस में जो भी बचे खुचे हैं उनका भी कॉन्फिडेंस खत्म होगा। तो ये तो बहुत बड़ी शिफ्ट है, बहुत बड़ी बात। दूसरा क्या है कि इससे जो हम इंडिया गठबंधन है, अब उसके अपने कारण है क्यों वहाँ डिले है, क्यों वहाँ पर निगोशिएशंस करने वाले लोग नहीं हैं, और हैं तो बहुत गलत ढंग से करते हैं। कांग्रेस की एक अपनी जो दिक्कत है वो है, जिन कारणों से भी है। लेकिन बिहार की राजनीति में जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, और आप समझिए कि अगला चुनाव में बहुत एक सशक्त रूप से ये नीतीश और बीजेपी का गठबंधन उभरेगा। एक बड़ा मोबिलाइजेशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि एबीसी प्लस सवर्ण और जो दूसरी जातियां हैं वो सब इकट्ठी होंगी, और अपर ओबीसी का भी जो एक जो जो तबका है कोहरी कुर्मी वाला वो आएगा। पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में एक जो बड़ा दांत था, यानी जो दांत नीतीश कुमार में संभावना थी कि वो अपोजिशन पॉलिटिक्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको एक बड़े क्वालिटेटिव शिफ्ट की तरफ, उछाल की तरफ ले जा सकते हैं, जी, जी। वो उन्हीं में संभावना थी। राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का अपना बेस है, लेकिन उसके उनके उसमें सिंबॉलिक उछाल नहीं है, ये सिंबॉलिक उछाल नीतीश कुमार में है, वो खत्म हो गया। तो अब रह किया गया, अब तो मुझे तो लगता है कि अगली लड़ाई बहुत साफ है, 24 का चुनाव बीजेपी इंडिया एनडीए गठबंधन के पक्ष में बहुत ही मजबूत, पहले से भी मजबूत था, राम जन्मभूमि का मोमेंट बना, लेकिन इस घटना ने मोमेंटम उनकी तरफ था, मोमेंटम उनकी तरफ था, एडवांटेज उनकी तरफ थी। इससे राजनीति में जैसे बार बार ये बात कही जाती है, ऑप्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और कम से कम ये जो ऑप्टिक्स हैं ये बिल्कुल एक तरफा एनडीए की तरफ अभी कम से कम जाते दिखाई पड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर चर्चा आगे भी चलती रहेगी, अगले कुछ दिनों में लगातार चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के पाला बदलने के बारे में आम जनता, वो भी बिहार की जनता, उसकी क्या राय है, इसका जवाब पटना से हमारे सहयोगी लोगों से बात करके, रणवीर ने लोगों से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या उन्हें लगता है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और बिहार में एक नया मुख्यमंत्री बना जिसका नाम है नीतीश कुमार। यानी नीतीश कुमार सत्ता से हटते हैं और फिर सत्ता में आ जाते हैं, और इसको लेकर के बिहार के लोग क्या सोचते हैं ये समझने के लिए मैं मौजूद हूँ पटना के राजवंशी नगर इलाके में। और मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। शाम को यहाँ पर लोग सेव बुनिया खाने आते हैं। इन लोगों से ज़रा समझते हैं कि आखिर बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल होती है उस पर लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मेरा राजवीर सिंह राठौड़ नाम हुआ। राठौड़ साहब, आज नीतीश जी ने इस्तीफा दिया और फिर नीतीश जी ने शपथ ले लिया, ये जो बिहार में चलता है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो इस तरह की पलटियां जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनके साथ ये गद्दारी की तरह माना जाएगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो नीतीश कुमार जी ने जो किया अपने साम्राज्य को बचाया, हमारा ऐसा मानना है, लोगों का अलग अलग मानना होगा, क्योंकि भविष्य भैया अंधकार में था। नीतीश जी बहुत विकास किए हैं और बीजेपी में मिल गए हैं, इसलिए अच्छा है। आरजेडी के साथ जब सरकार चल रही थी तो कैसा था? अच्छा था, मगर अब और भी अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि अच्छा हो गया? बहुत अच्छा हो गया। कुछ लोग बाइक पे भी बैठे हैं, जरा इनसे भी पूछते हैं, यूथ हैं। भाई साहब यहीं के हैं पटना के? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? विकास सिंह। अच्छा, आपका तो विकास नाम ही है, यहाँ विकास विकास हो रहा है कि नहीं? विकास देखिए, जिस तरह से सरकार बदल रही है, डेवलपमेंट के नाम पे क्या होगा? फिर डेवलपमेंट तो रुक ही जाएगा। हर परियोजनाएं जो भी चल रही है, हर दो दो साल पे अगर सरकार बदलती है, नए मंत्री आएंगे, नए मिनिस्टर्स आएंगे, वो अपने तरीके से काम करेंगे। एक जनता का विश्वास है, एक ट्रस्ट है एक गवर्नमेंट पे, जो हम लोग करते हैं कि ये सरकार हमारे
राज्य को अच्छा करेगी, हमारा स्टेट अच्छा होगा। इस तरह से अगर बार बार सरकार बदलेगी तो हमारे साथ विश्वासघात हो रहा है। ये जो बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। यादव जी, जी यादव जी का साथ छोड़ दिए नीतीश जी? अच्छा, छोड़ दिए तो ये अपना भी छोड़। सही किए कि नहीं किए? सही तो नहीं है किए। काहे? जो काम चल रहा था, जो विकास का बात था, काम कर रहे थे तो ठीक ही था। तेजस्वी जी ठीक कर रहे थे? वो तो अभी काम ठीक कर रहे थे, इनका तो सब मिल के काम, इनका कोई विरोध में काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तो खेला हो गया, खेला कर लिए तो इतना समय है इनका खेला करने के काम है। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा में तो मोदी जी की अभी चर्चा है, तो मोदी जी की चर्चा वैसी रहेगा। विधानसभा अभी आप कह रहे थे तेजस्वी जी ठीक कर रहे हैं? जी नहीं, ठीक कर रहे हैं। वोट का बात है तो मान लीजिए आएगा, तो अभी तक मोदी जी का लहर है, चलेगा, दिखाई दे रहा है। कल है अभी राम जी के नाम पर पार करने के काम पर है, तो मतलब आपके हिसाब से तेजस्वी काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन बिहार में मोदी का माहौल ठीक है? मोर ही रहेगा, लेकिन विधानसभा के मेरी सब लोग फेल हो जाएगा। तेजस्वी ये रहेगा हम की अकेले। नीतीश जी तो बहुत विकास का काम किए हैं, और जो आ गए हैं तो बहुत पहले। आरजेडी के साथ सरकार कैसी चल रही थी? वो ठीक सर सरकार नहीं चल रही थी, नहीं। बहुत दबाव में थे मुख्यमंत्री। आप लोग को कैसे पता मुख्यमंत्री दबाव में? देखते हैं ना, आप ही लोग के चैनल से देखते हैं, जो फैसला लेते हैं तो कुछ कोई ऐसी छोड़ करके थोड़े जाता है। अगर घर में अगर किसी के यहाँ बंटवारा भी होता था, दोनों भाई में पटरी ठीक से नहीं बैठता, तो इसमें पटरी ठीक से नहीं बैठ रहा था। अभी यादव जी कह रहे हैं तेजस्वी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, यादव जी बताइए। देखिए सबका अपना अपना सोच है, इनको लगता होगा कि तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि जो भी अभी भी जो काम हुआ है, जो शिक्षक का बहाली हुआ, अगर इसमें देरी होता तो इसमें भी खेला होता। ये तो नीतीश जी का देन है कि 15 दिन में परीक्षा हुआ, 15 दिन में रिजल्ट हुआ, नीतीश जी का देन है। आप लोकसभा में क्या देख रहे हैं बिहार में? बिहार में तो 40 का 40 एकदम कन्फर्म हो गया, 40 का 40 रहेगा यादव जी। अच्छा, अब तो हम भी तो कह रहे हैं कि सब रहेगा। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार विकास कर रहे थे और आरजेडी की सरकार में कुछ दिक्कतें थी, ये आम लोगों का मानना है। फिलहाल कुछ और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि बिहार की राजनीतिक उथल पुथल का जनता में क्या रिएक्शन है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ पटना से रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। उत्तराखंड में भारतीय वन सेवा के कई अधिकारी ईडी के रेडार पर हैं। ये वो 8 अधिकारी हैं जिनका नाम डीजी फॉरेस्ट की जांच में सामने आया है। इन्हें कुल मिलाकर अवैध तौर पर पेड़ काटने और या अवैध निर्माण के अलावा गलत फैसले देने के लिए दोषी बताया गया है। उत्तराखंड के 8 वनाधिकारियों के आयकर रिटर्न के ब्यूरो और अन्य वित्तीय जानकारियां जल्द खंगाली जाएगी। ईडी ने वन मुख्यालय से ये जानकारियां मांगी है। इन अधिकारियों में 5 IFS अधिकारी जबकि 1 रेंजर और 1 SDO स्तर का अधिकारी है। ये सभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध कटान और निर्माण से जुड़े रहे हैं। कॉर्बेट प्रकरण को लेकर सरकार खुद ही गंभीर थी, और सरकार आने के बाद जिस तरह PCCF रैंक के अधिकारी को सस्पेंड किया गया, डायरेक्टर सस्पेंड किए गए, उसके अलावा रेंजर और एक DFO को अरेस्ट भी किया गया। लोग बचेंगे नहीं जिन्होंने भी कॉर्बेट में इस तरह का काम किया है। दरअसल कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ सालों में कई धांधलियां सामने आई है। टाइगर सफारी बनाने के नाम पर यहाँ घपला किया गया, 163 पेड़ काटने की इजाजत मांगी, लेकिन पेड़ 50 गुना ज्यादा काट दिए गए। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 6,093 पेड़ काटे गए। रिजर्व क्षेत्र में भी अवैध निर्माण किया गया। CBI इस मामले की जांच पहले से कर रही है। उत्तराखंड के वन मंत्री मानते हैं कि कॉर्बेट में काफी धांधली हुई है, बिना इजाजत के करोड़ों के काम किए गए हैं। करोड़ों रुपए काम बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के हो गए हैं, तो जो खबरें हैं कि पेड़ काटे गए हैं। सवाल ये है कि इस मामले में क्या पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ भी गंभीर कदम उठाए जाएंगे, जिनके वन मंत्री रहते ये घोटाला हुआ। वो अब कांग्रेस में है, लेकिन तब BJP सरकार में ही वे वन मंत्री के पद पर थे।
ये पहली बार नहीं है कि उत्तराखंड में कई विभागों में और अधिकारियों के खिलाफ वित्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और कुछ मामलों में विजिलेंस जांच भी चल रही है और सीबीआई भी जांच कर रही है। तो ऐसे में अब उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ईडी की भी जाँच करने की बात सामने आ रही है। अगर लगातार इसी तरीके से अधिकारी और विभाग वित्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले में घिरे रहे तो लोगों का सरकारी सिस्टम से भरोसा हट जाएगा। इसलिए अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है तो उसी तरीके से उसको जमीनी हकीकत में भी बदले। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।